आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। यूक्रेन से आपूर्ति बहाल होने के बाद आयातित कच्चे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में पिछले एक साल में 46 से 57% तक की गिरावट आई है। सरसों तेल में गिरावट आम जनता के लिए एक बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि खाद्य तेलों में गिरावट आ रही है। थोक कीमतों में 16 से 17% तक की गिरावट आई है। कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। हालांकि इन दोनों खाद्य तेलों के खुदरा और थोक भाव में 16 से 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। नतीजतन घरेलू बाजार में खाद्य तेल और महंगा हो गया था। कीमतों में कटौती का निर्देश जारी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस मंदी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में समय लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगता है। नतीजतन खुदरा और थोक कीमतों पर असर कुछ हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल कंपनियों को कीमतों में कटौती करने का निर्देश दिया है। इस बीच SEAI ने कीमतों में कटौती को लेकर 2 एडवाइजरी भी जारी की है। SEAI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आयातित कच्चे सूरजमुखी तेल की कीमतें वर्तमान में कच्चे सोयाबीन और पाम तेल की तुलना में कम है। मुंबई में शुक्रवार को आयोजित कच्चा तेल 81,300 रूपए प्रति टन पर कारोबार कर रहा था। पाम तेल 82,000 रूपए प्रति टन और सोयाबीन तेल 85,000 रूपए प्रति टन पर कारोबार कर रहा था। एक साल पहले आयातित कच्चा सूरजमुखी 1.7 लाख रूपए प्रति टन पर बिक रहा था। क्या कहा अधिकारियों ने? SEAI के कार्यकारी निदेशक BV मेहता कहते हैं, यूक्रेन से आपूर्ति शुरू होने के बाद से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति अपने उच्चतम स्तर पर है। सूरजमुखी तेल का एक बड़ा स्टॉक अभी निर्यात के लिए बचा हुआ है, इसलिए हमने हाल के महीनों में सूरजमुखी तेल की कीमतों में गिरावट देखी है।